हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है। देखिए, जैसा कि आपको मैंने सी लैंग्वेज में बताया था कि ऑपरेटर्स बेसिकली कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिसका यूज आप अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए करते हो। सेम काम आप सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो। सी प्लस प्लस में भी आपके पास नंबर ऑफ ऑपरेशन करने पड़ते हैं। सपोज आपको अर्थमेटिकल ऑपरेशन करना है, कहीं पर रिलेशनल कंडीशन लगाना है, कहीं पर आपको लॉजिकल ऑपरेशन करना है, तो इस केस में आपको एक स्पेशल सिंबल की जरूरत होती है, उसी को आप ऑपरेटर्स बोलते हो। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में जो आपको सिंबल्स लेने हैं वो है प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलो, प्लस प्लस या माइनस माइनस। देखिए, प्लस प्लस और माइनस माइनस जो है ये बेसिकली यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, बट इसका काम भी आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए करते हो, इसका काम भी आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए करते हो। रिलेशनल ऑपरेटर जो है इसको कंडीशन ऑपरेशंस बोलते हैं। इसमें जो आपको सिंबल मिलते हैं वो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। बेसिकली इसका यूज आप कंडीशन को चेक करने के लिए करते हो। लॉजिकल ऑपरेटर जो है इसमें तीन होते हैं, लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट। इसका यूज बेसिकली आप तब यूज करते हो जब आपको मोर देन वन कंडीशन चेक करवाना होता है, तो वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर आप तब यूज करते हो जब आपको कोई वैल्यू असाइन करना होता है, तो इसमें आपको इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू, ये आप यूज कर सकते हो। बिटवाइज ऑपरेटर जो है ये भी आप लॉजिकल ऑपरेटर की तरह यूज करते हो, लेकिन इसका थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो वो भी हम आने वाले वीडियोस में देख लेंगे। मिस्क ऑपरेटर जो है ये कुछ अन्य सिंबल होते हैं। सपोज आप इफ एल्स लगा रहे हो, तो उस केस में आपको यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए आप टर्नरी ऑपरेटर लगाते हो। तो टर्नरी ऑपरेटर में आपको क्वेश्चन मार्क देना होता है और कॉलन देना होता है, तो ये हम देखने वाले हैं आने वाले वीडियोज में कि कैसे यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर का यूज बेसिकली आप एड्रेस का काम करते हो। पॉइंटर का यूज करने के लिए आपको एस्ट्रिक सिंबल लगाना होता है, तो वो भी हम देखेंगे पॉइंटर का यूज कैसे करते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर से बेसिकली आप किसी भी डेटा टाइप का साइज बताते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल हम अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लेते हैं जो कि काफी सिंपल है। तो लास्ट टाइम जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा था इसको यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं और यहां से भी इसको रिमूव कर लिया, इसको भी यहां से रिमूव कर लेते हैं, ए ले लेते हैं, यहां से इसको भी रिमूव कर लिया और यहां से इसको भी रिमूव करो। अर्थमेटिक ऑपरेशन कुछ नहीं है, बस यहां पे सिंबल लगा देना है। सपोज यहां पे मल्टीप्लाई करना है तो ए मल्टीप्लाई भी कर दिया और यहां पे लिख सकते हो मल्टीप्लाईज, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो देखिए एंटर नंबर पूछ रहा है, तो यहां पे 20 कर लेते हैं पहला, दूसरा 10 कर लेते हैं, मल्टीप्लाईज 200। अब अगला आपका क्या है, यहां पे डिवाइड भी ले सकते हो, तो डिवाइड लिया, सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो यहाँ पे 20 कर लेते हैं, एंटर 4, तो 4 5 20, तो डिवीजन इज 5। तो इस तरह आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपने इक्वल टू साइन दिया है इसी को आप असाइनमेंट ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं तो वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, इसको देख लेते हैं। देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंप्लीटली इसको रिमूव कर लो, इक्वल टू 0 कर दिया और यहाँ पे आप लगा लो प्लस प्लस ए और इसी में आप सी में असाइन कर लो और यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लो सी और यहाँ पे आपको सी में प्रिंट करवा लेना है सी आउट और यहाँ पे सी कर दिया, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, इसमें सेमी कोलन आएगा, सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया, 1 आ गया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने ऑपरेटर लगाया वो पहले ही लगाया है। अब सपोज इसका आप बाद में यूज करते हो, ए प्लस प्लस करते हो और सेम रिजल्ट को आप प्रिंट करवाते हो, उसके बाद देखना क्या चेंज आता है। देखिए यहाँ पे 0 आया, क्यों? क्योंकि जब प्लस प्लस ऑपरेटर पहले लगाते हो तो कंपाइलर को वो पहले दिख जाता है और कंपाइलर जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप चेक करता है, तो इसीलिए वो पहले ही इंक्रीमेंट कर देता है। लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस आपने बाद में लगाया है तो पहले वो ए को असाइन किया, तो ए का वैल्यू सी को मिल गया और ए का हमारा इनिशियल वैल्यू 0 था, तो इसीलिए वो वैल्यू जो प्रिंट करवाया वो 0 प्रिंट करवाया। सेम आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी कर सकते हो। यहाँ पे सपोज माइनस माइनस करते हो तो इसको 2 कर दिया, तो यहाँ पे देखिए आपको रिजल्ट 2 ही मिलेगा। क्लोज किया, कंपाइल एंड रन किया, तो देखिए यहाँ पे 2 मिला है, क्यों? क्योंकि आपने बाद में ऑपरेशन लगाया है। अब इसको आप पहले लगा दो,
इसको क्लोज किया, कंपाइल एंड रन किया, यहां पे अभी आपको वन दिख जाएगा। देखिए वन दिख गया, क्योंकि जो पहले आप लगाते हो उसका ऑपरेशन पहले होता है। तो इस तरह आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।